नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चांद कुबा एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज आपने अखबारों में कुछ इस तरह की खबर पढ़ी होगी जहां पर एक बेंगलुरु बेस्ड महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन दायर की और ये गुहार लगाई कि उनका एक मित्र जो यूरोप जाना चाहता है उसे यूरोप जाने से रोका जाए। उनका कहना था कि उनका यह मित्र 2014 से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम के एक रेयर डिजीज से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वह परेशान हो चुका है और यूरोप जाकर यूथनेशिया के द्वारा अपनी जान देना चाहता है। ऐसे में एक और टर्म का भी इस्तेमाल किया गया, दैट इज यूथनेशिया टूरिज्म। अक्सर हम भारत के कंसर्न में पढ़ते हैं कि भारत जाना जाता है मेडिकल टूरिज्म के लिए, जहां पर कई सारे विदेशी पेशेंट्स भारत में आते हैं, अच्छा और सस्ता इलाज यहाँ पर कराते हैं। अब जब बात की जाती है यूथनेशिया टूरिज्म की, तो हमें जानने को मिलता है कि ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर यूथनेशिया जो है वो लीगल है। ऐसे में विदेशों से लोग वहां जाते हैं, यूथनेशिया के द्वारा अपनी जान देते हैं। आज के अपने इस सेशन में हम समझेंगे यूथनेशिया का पूरा कंसेप्ट, साथ ही में जानेंगे कि किस तरह से इसे क्लासिफाई किया जाता है, इसके साथ जुड़े हुए केस लॉज को हम देखेंगे और जानेंगे कि भारत में इससे जुड़ा हुआ क्या कानून है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूथनेशिया इन इंडिया, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो लोग जो या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो कि लीगल अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक और अच्छी खबर है, वो ये कि 15 अगस्त तक हमारा जो फोर्थ लाइव बैच लॉन्च होने जा रहा है उसके प्राइजेस घटा दिए गए हैं और चांद लाइव का कोड इस्तेमाल करना है और ये बैच आपको मिल जाएगा 17,499 रुपए। ये बैच शुरू होने वाला है 22 अगस्त से, सुबह 8 बजे से लाइव इसकी क्लासेस रहा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे की। देखिए, यूथनेशिया को समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्या राइट टू लाइफ हमें जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है उसके साथ साथ राइट टू डाई भी हमें मिला हुआ है, क्या हमें मरने का भी अधिकार है। चलिए समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट के रूप में हमें दिया गया है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जीने का अधिकार है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस राइट टू लाइफ को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब केवल मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस का होना ही नहीं है, इसमें आप वैल्यू ऐड करें। और आपने कहा कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार जो है उसे हम राइट टू लाइफ मानते हैं, यानी कि आत्मसम्मान के साथ आपको जीने का अधिकार मिलता है। लेकिन क्या इसी जीने के अधिकार में, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, राइट टू डेथ भी या राइट टू डाई आ जाता है? चलिए उसके लिए कुछ केस लॉज समझते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है बॉम्बे के केस में, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज श्रीपति दुबल का एक केस था जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये सवाल उठा। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बात को स्पष्ट किया कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में वर्ड पर्सनल लिबर्टी इस्तेमाल हुआ है, इसी पर्सनल लिबर्टी में आपको राइट टू डाई मिल जाता है, यानी कि आपका जो राइट टू डाई है वो फंडामेंटल राइट है। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि देखिए, आपको पर्सनल लिबर्टी यानी कि आपको आजादी दे दी गई, आप आजाद हैं ये चुनने के लिए भी कि आपको जीना है या फिर आपको मरना है। सो बेसिकली राइट टू डाई जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। ऐसे में सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो कि सुसाइड अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि जब आपको फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू डाई दे ही दिया गया, मरने का अधिकार दे ही दिया, तो जब आप मरने का अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए सजा क्यों आपको मिले। सो उन्होंने कहा कि 309 में जो अटेम्प्ट टू सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है वो गलत है। इसी जजमेंट को अगले बार हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अपहोल्ड किया। इस केस में डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया और कहा कि मारुति श्रीपति दुबल का ये जो केस था वो बिल्कुल ठीक था, उसकी जजमेंट बिल्कुल ठीक थी। और उन्होंने भी ये माना कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही आ जाता है राइट टू डाई। और उन्होंने इस बात को भी माना कि 309 आईपीसी जो कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिशेबल बनाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो बेसिकली बॉम्बे हाईकोर्ट की इस जजमेंट को पी रत्नम के इस केस में अपहोल्ड कर दिया गया। 1994 की ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। 2 साल बाद ही एक और जजमेंट आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1996 में, दैट इज ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब।
इस जजमेंट में पी रत्नम वाली जो जजमेंट थी उसे ओवरटर्न कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू डाई नहीं आपको मिलता है। सो बेसिकली ये कहा गया कि जब आप पैदा हो जाते हो तो उसके बाद आपको आपकी नेचुरल लाइफ तक जीना होता है। किसी भी एंगल से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आपको मरने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है तो सेक्शन 309 आईपीसी में जो उसे एक साल तक की पनिशमेंट मिलती है वो बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली यहां पर आप आज इसी जजमेंट को लेकर चलते हैं और ज्ञान कौर की इसी जजमेंट के हिसाब से हम कहते हैं दैट राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। चलिए अब आज के हमारे इस मुद्दे की बात करते हैं। सबसे हम बात समझते हैं कि यूथनेशिया का आखिरकार मतलब क्या है। देखिए जब हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो यूथनेशिया का मतलब होता है इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, यानी कि एक जीवन को खत्म करना, एक व्यक्ति के जीवन को खत्म करना, ऐसे व्यक्ति के जीवन को खत्म करना जो कि पेन में है, सफरिंग में है, और उस सफरिंग को खत्म करने के लिए जीवन को खत्म कर रहे हो आप। इसका अगर हम ग्रीक ओरिजिन समझें, अगर हम रूट में जाएं इसके, तो हमें देखने को मिलता है यूथनेशिया दो शब्दों को मिला के मिला बना है। यू दैट इज गुडली और वेल, थानाटोस दैट मीन्स डेथ, यानी कि अगर यूथनेशिया का हम ग्रीक मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है द गुड डेथ, या फिर जिसे हम कहें कि अच्छी मौत। चलिए मेडिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यूथनेशिया का मतलब है एन एक्ट ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल इलनेस और इन एन इनक्यूरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि टर्मिनली इल है और इनक्यूरेबल कंडीशन में है, काफी ज्यादा पेन में है, काफी ज्यादा सफरिंग में है, जो कि अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो बैठा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना। कैसे समाप्त करना, दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, या तो आप उसे लीथल इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दो, या फिर आप उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहता है जैसे कि वेंटिलेटर एटसेट्रा उसे आप हटा दो। सो ये यहाँ पर है यूथनेशिया। अब यूथनेशिया को अगर हम मेथड्स के तौर पर क्लासिफाई करें, यानी कि किस तरह से यूथनेशिया के द्वारा किसी की जान ली जा सकती है, तो दो तरह के मेथड इसमें हमने अभी देखे, एक है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। अगर कोई व्यक्ति क्रिटिकली या टर्मिनली इल है, आप उसे लीथल इंजेक्शन दे रहे हो, उसे हम कहेंगे एक्टिव यूथनेशिया, जहां पर एक फिजिशियन ने एक्टिवली उस व्यक्ति को कोई इंजेक्शन देकर, कोई लीथल इंजेक्शन देकर उसकी जान ले ली। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि आप एक्टिवली उसकी जान नहीं ले रहे हो, लेकिन ऐसा सपोर्ट सिस्टम जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, ऐसे सपोर्ट सिस्टम को आप बंद कर देते हो, धीरे धीरे खत्म कर देते हो, इसे हम बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। कई केसेस में हम देखते हैं कि कई जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सालों साल ट्यूब के जरिए फीड कराकर जिंदा रखा जा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप कंट्रोल में नहीं है, अपनी बॉडी के नहीं उठ पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, आप केवल उसे बस ट्यूब से खाना अंदर डालते रहते हो मैश्ड फॉर्म में और उसे जिंदा रखे हुए हो, तो धीरे धीरे खाना बंद कर देना और खाना देना बंद कर दिया आपने, या फिर जो वेंटिलेटर पर होते हैं उनकी ऑक्सीजन और बाकी सारी जो दवाइयां जा रही होती हैं उन्हें बंद कर देना, इसे हम पैसिव यूथनेशिया मानते हैं। अगर हम कंसेंट की बात करें कि क्या कोई व्यक्ति खुद कंसेंट देके मरा, या खुद कंसेंट देकर उसने यूथनेशिया एडमिनिस्टर करा, या फिर उसे उसके कंसेंट के बिना मारा गया, तो इस तरह से यूथनेशिया को तीन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है वॉलंटरी यूथनेशिया, जहां पर एक व्यक्ति खुद को यूथनेशिया के द्वारा मारने की रिक्वेस्ट करता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 90% जल चुका है, उसकी बॉडी पर बर्न्स है 90%, अब उसकी बॉडी इतनी ज्यादा उसको पेन दे रही है कि वो समझता है कि यार मरना ज्यादा बेहतर है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया डॉक्टर्स के कि मुझे आप मार दीजिए, लीथल इंजेक्शन देके मार दीजिए, या मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दो और मुझे मार दीजिए। इसे हम कहेंगे वॉलंटरी यूथनेशिया, क्योंकि उसने खुद रिक्वेस्ट किया। नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया में क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए, वो अपना वॉलंटरीली कंसेंट नहीं देता है, बस उसकी कंडीशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि उसकी रिवाइव करने की कोई संभावना नहीं बची है, ऐसे व्यक्ति को आप जो कंडीशंस होती हैं चाहे उसे एक्टिवली या फिर पैसिवली मार देते हो, उसका कंसेंट यहां पर नहीं होता है बेसिकली। और क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो दे ही नहीं पाता है कंसेंट, सो उसे हमने कहा नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया। इन वॉलंटरी यूथनेशिया में क्या होता है बेसिकली कि एक व्यक्ति है मरना ही नहीं चाहता है, वो कहता है कि भाई मुझे मत मारना, बेशक कितनी मर्जी मुझे पेन हो रही है, बेशक मैं 10 साल अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बेशक 10 साल 15 साल मैं रिवाइव ना हो पाऊं, लेकिन मुझे मारना नहीं है। उसने किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया कि मैं जीना चाहता हूं।
इसे अगर फिर भी मार दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। अब सुसाइड और यूथनेशिया में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। सुसाइड में एक व्यक्ति खुद की जीवन लीला खुद समाप्त करता है, चाहे उसने कुछ पॉइजन को इंगल्फ कर लिया या फिर उसने हैंगिंग कर लिया या फिर जंप कर गया किसी बिल्डिंग से, लेकिन इसमें खुद का रोल ज्यादा है, किसी और की आपने मदद नहीं ली। अगर मदद ली भी तो क्या ली, कि भाई किसी ने आपको पॉइजन लाकर दे दिया लेकिन उसे नहीं पता कि आप सुसाइड करना चाहते हो। सो बेसिकली आपने सुसाइड के लिए, किसने यहाँ पर सुसाइड के लिए क्या किया, सामान मंगवा भी लिया तो भी यहाँ पर सुसाइड खुद से किया, खुद की मदद से किया, किसी और की मदद नहीं ली। फिर क्या है यूथनेशिया, इसमें आप कोई व्यक्ति जो मरना चाहता है तो वो थर्ड पर्सन की यहाँ पर मदद ले रहा है, एक्टिवली या पैसिवली थर्ड पर्सन की वो व्यक्ति मदद लेता है, उसे हम क्या कह देते हैं, यूथनेशिया कह देते हैं। सो ये डिफरेंस आ जाता है। लीगल पोजीशन की अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि हमने अभी कहा कि यूथनेशिया टूरिज्म भी होता, सो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूथनेशिया को लीगली अलाउ किया गया है। आप देखिए नेदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें असिस्टेड सुसाइड को भी अलाउ किया गया है, लीगल बनाया गया है, और पैसिव यूथनेशिया को भी लीगल बनाया गया है। बेल्जियम में 2002 में बना दिया गया लीगल, यूएसए में भी पैसिव यूथनेशिया लीगल है, एंड इंग्लैंड में भी पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है। अब हम बात करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ एक्टिव यूथनेशिया। भारत की अगर हम बात करें, एक्टिव यूथनेशिया यानी कि किसी को कोई लीथल ड्रग देकर मारना, भारत में ये गैर कानूनी है। इसे अगर हम आईपीसी की भाषा में समझें तो आईपीसी में सेक्शन 304 के तहत इसे कवर करेंगे, जहां पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशमेंट दी गई है। सो बेसिकली अगर कोई डॉक्टर या कोई फिजिशियन किसी पेशेंट को, जो कि टर्मिनली इल भी होगा, ऐसे पेशेंट को लीथल इंजेक्शन देकर मार रहा है, वो एक्टिव यूथनेशिया तो होगा, बट उसे हम लीगली यहां पर क्या कहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की डेफिनेशन में उसे काउंट करेंगे। ये हो गया एक्टिव यूथनेशिया के लिए कानून भारत में। जब हम बात करते हैं पैसिव यूथनेशिया के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमें समझना चाहिए, अरुणा शॉनबेक का केस था। इसमें हम समझते हैं कि केस क्या था, जजमेंट क्या रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बेसिकली शी वॉज अरुणा वॉज अ मिस अरुणा वॉज अ नर्स जिन्हें स्ट्रेंगुलेट किया गया, सोडोमाइज किया गया, उन्हीं के हॉस्पिटल में काम करने वाले एक स्वीपर ने, 1973 की ये घटना है। क्योंकि उनका गला चेन से दबाया गया था तो ऑक्सीजन उनके ब्रेन तक पहुंचनी बंद हो जाती है और वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती हैं 1973 के उसी दिन से जब उनका रेप हुआ। ऐसे में उनको जिंदा रखा जा रहा था ट्यूब फीडिंग के द्वारा, यानी कि फीड किया जा रहा था ट्यूब के द्वारा, और 1973 से लेकर 2011 तक उन्हें जिंदा रखने के लिए कोई जो हॉस्पिटल था वो लगातार अपनी कोशिश जारी रखे था। 2011 में उनकी एक एक्टिविस्ट फ्रेंड ने, क्या नाम था उनका, मिस पिंकी था उनका नाम, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन दायर की कि अब अरुणा को यूथनेशिया के द्वारा मार देना चाहिए। उन्होंने कहा दैट द स्टेट ऑफ अरुणा, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अरुणा इज इन वायोलेशन ऑफ हर राइट टू लिव इन डिग्निटी, यानी कि जिस तरीके से उन्हें जिंदा रखा जा रहा है, यानी कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, ना तो वो खुद की बॉडी को कंट्रोल पा रही हैं, ना ही वो अपने डिसीजन ले पा रही हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, बेसिकली उन्हें फीड करके हॉस्पिटल में एक बेड पे लेटी हुई हैं, उन्हें फीड करके जिंदा रखा जा रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, यूथनेशिया के द्वारा मार देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस के फैक्ट्स को देखते हुए मिस अरुणा को मारने का आदेश तो नहीं दिया, आई मीन यूथनेशिया का आदेश उन्हें नहीं दिया, लेकिन यस इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर मानी कि जो पैसिव यूथनेशिया है उसे हम लीगल बना सकते हैं। सो बेसिकली कोर्ट डिड नॉट अलाउ मिस शॉनबेक्स मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी विड्रॉन, यानी कि पैसिवली उन्हें जो मारने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि उनको जो फीडिंग की जा रही है ट्यूब के द्वारा उसे बंद कर दिया जाए, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाँ नहीं भरी। बट इस पूरे केस में पैसिव यूथनेशिया पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा डिस्कशन किया और कुछ गाइडलाइंस भी ले डाउन किया है। बेसिकली उन्होंने यहां पर कहा कि जो हाई कोर्ट्स होंगे अल्टीमेटली दे विल बी द डिसाइडर्स वेदर द पेशेंट हु इज क्लेम टू बी इन वेजिटेटिव स्टेट या फिर जिसे टर्मिनली इल बताया जा रहा है, क्या उस पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया के द्वारा मारा जाए या नहीं मारा जाए, ये डिसाइड करने का अधिकार हाई कोर्ट्स के पास होगा। उन्होंने पेरेंट्स पैट्री जुरिसडिक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात कही, पेरेंट्स पैट्री प्रिंसिपल के इस्तेमाल की बात कही। पेरेंट्स पैट्री का मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन, और यहाँ पर ऐसे सभी केसेस में जहाँ पर कोई और गार्जियन नहीं होता है,
कोर्ट के पास ये अधिकार आ जाता है इस प्रिंसिपल के तहत कि वे गार्जियन का रोल निभाएंगे। चलिए नाउ क्या क्या बातें यहां पर कही गई, क्या क्या गाइडलाइंस थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि कोई भी ऐसा केस होता है जहां पर पैसिव यूथनेशिया की बात की जा रही है, सबसे पहले एप्लीकेशन जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के पास। वे दो जजेस का कोई बेंच कन्वीन करेंगे जो कि फाइनल डिसीजन इस केस में लेंगे। साथ ही में यहां पर कहा गया कि एक 3 रिप्यूटेबल डॉक्टर्स की कमेटी को भी अपॉइंट किया जाएगा उनसे मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए कि क्या वाकई में पेशेंट जो है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है, क्या वाकई में इस पेशेंट के रिवाइव होने की कोई जो है कोशिश की जा सकती है या नहीं, या कोई चांसेस बचे हैं या नहीं। साथ ही में जो हाईकोर्ट का बेंच होगा वो उस पेशेंट के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर उनके बच्चे या उनके स्पाउसेस, उन सबसे भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन मांगेंगे और उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर वो भी पूछेंगे, और डॉक्टर्स की कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट में कहा है वो भी उनके सामने रखा जाएगा। इन दोनों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जो है अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जब तक पार्लियामेंट का इस पूरे मुद्दे पर कोई कानून की फॉर्म में कोई नया लॉ नहीं आ जाता, तब तक हाईकोर्ट को ये जो हमने पावर्स दी हैं और ये पूरी जो जजमेंट है अरुणा वाली, ये जो है फाइनल जजमेंट रहेगी और इसी को हम कानून के रूप में लेकर चलेंगे। सो बेसिकली भारत में अगर हम बात करें तो आज की डेट में पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है और उसमें हमने पूरी गाइडलाइंस भी देख ली, लेकिन जब बात आती है एक्टिव यूथनेशिया की तो वो लीगल नहीं है। सो बेसिकली अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, टर्मिनली इल है और मशीनों के द्वारा ही उन्हें जिंदा रखा जा रहा है, ऐसे पेशेंट को हाईकोर्ट की ओपिनियन के बाद, हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद आप यूथनेशिया के द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जैसे कि आज हमने कहा कि वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।